नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आयोग के सर बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत काम की है और साथ ही मैं आपका जो है वक्त भी बचाएंगी। तो फटाफट से चलते अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, वहीं जाके देखते हैं आज की टिप्स और ट्रिक्स। और मेरा नाम मनीष सिंह और आप देख रहे हैं आपका ऑफिशियल टेक गुरु मंजीत। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। और गाइस यहाँ पे जो है हमने एक टेबल बना रखी है और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक डेटा वैलिडेशन भी लगा रखा है। तो पहला जो टिप है वो है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन को कैसे किया जाता है और किस लिए जो ये इम्पोर्टेंट है और कैसे वक्त बचाती है, मैं जिसके अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो अगर आपको किसी का, अगर आपको जो है रिजल्ट देखना है, जैसे अगर आपके पास ये मैंने तो यहाँ पे छोटी सी बनाई है, आपके पास अगर बहुत ज्यादा लंबी है तो अगर आपको फटाफट से किसी का नाम देखना हो तो आप जो है एक बार डेटा वैलिडेशन आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लगाने को और उसके बाद में आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे जो है अगर मैं कोई भी ले लूँ या फिर जैसे मुझे अभी डी का अगर टोटल देखना है तो मैं डी पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि डी के यहाँ आगे जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है वो मेरे पास यहाँ पे आ गई है। और अगर मैं और कोई भी लगाऊं तो आप देख सकते हैं मैंने ई का लगाया तो 9 का मेरे पास आ गया है। और ये अब कैसे लगाया है वो मैं आपको इस अब मैं इसको सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से जो है इसको क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर ऑल। और आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन भी नहीं है और कोई भी फॉर्मूला इसके अंदर अब नहीं लगा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है डेटा वैलिडेशन लगाऊंगा, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद में यहाँ पे हम जाएंगे एनी वैल्यू की जगह पे हम कर देंगे लिस्ट। और यहाँ पे सोर्स जो है हम सिर्फ और सिर्फ हमारे जो नाम वाला है सिर्फ वो ही यूज करेंगे, आगे जो नंबर्स दे रखे हैं वो हम यूज नहीं करेंगे। तो हमने इसको कर लिया सेलेक्ट और यहाँ पे करेंगे ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो है डेटा वैलिडेशन आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे आ गए हैं। और यहाँ पे हम टोटल के अंदर जो है जहाँ पे हमको दिखाना है कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो इसका जो आना चाहिए वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे वी लुकअप फॉर्मूला। और वो कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल्स टू और यहाँ पे लगाएंगे वी लुकअप। और वी लुकअप लगाने के बाद में हम यहाँ पे डालेंगे ब्रैकेट और ब्रैकेट डालने के बाद में लुकअप वैल्यू हमारी रहेगी ये वाला सेल जो जिस सेल के अंदर अपने जो है डेटा वैलिडेशन लगा रखा है। फिर डालेंगे कॉमा टेबल अरे के अंदर जो है ये पूरी की पूरी टेबल हम जो है सेलेक्ट कर लेंगे और कोर इंडेक्स नंबर हमारा रहेगा 2 क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हम वी लुकअप लगा रहे हैं, एच लुकअप नहीं लगा रहे हैं। वी लुकअप जो है वर्टिकल होता है, एच लुकअप जो हॉरिजॉन्टल होता है। तो वी लुकअप यानी कि वर्टिकल, तो वर्टिकली जो है दूसरे नंबर पे है ये जो जहाँ पे जो है हमने टोटल दे रखा है जो हमको वहां पे चाहिए। तो हमने यहाँ पे 2 डाल दिया और यहाँ पे कॉमा डालने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे 0 और यहाँ पे कर देंगे ब्रैकेट ऑफ। और ब्रैकेट ऑफ करने के बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिख के आ गया नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी हमने कोई भी वैल्यू जो है सेलेक्ट नहीं किया। अब अगर मैं कोई भी अगर यहाँ पे सेलेक्ट कर लू, जैसे अब हमने यहाँ पे ई सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि वहां पे नॉट अवेलेबल की जगह पे जो है उसका जो टोटल आ रहा था वो यहाँ पे हमको दिखाने लग गया है। तो ये था हमारा डेटा वैलिडेशन। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है फिल सीरीज एंड सीरियल नंबर्स। तो उसके लिए हम दूसरी शीट में जाते हैं। यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं कि टेबल बना रखी है और यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीरियल नंबर मैंने नहीं डाल रखे हैं। तो अगर आपको सीरियल नंबर डालने हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और एंटर करने के बाद आप क्या करेंगे इसको सेलेक्ट करके जो है ऐसे सेलेक्ट करने के बाद में आप ऐसे करके जाओगे। लेकिन अगर इसका बहुत ज्यादा सिंपल सा फॉर्मूला है या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 1 डाल के फिर ऐसे 2 फिर ऐसे 3 4 ऐसे मतलब कि पूरे पूरे डालोगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा लंबी टेबल हो तो इसमें आपको बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है 1 और नीचे डालना है 2 और फिर क्या करना है इन दोनों सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करना है। और अब यहाँ पे जो एक मैजिक होगा, यहाँ पे जहां से अपन पकड़ के जो इसको नीचे को ड्रैग करते थे इस पर ड्रैग नहीं करना है, उस प्लस जब आता है वो वाला और उसको यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जहां तक भी जो है टेबल एंड होगी वहां तक ये अपने आप ही जो है सीरियल नंबर्स यहाँ पे डल जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको एक बार कंट्रोल करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ पे अगर आपकी टेबल में बीच में अगर कहीं पर भी अगर ब्लैंक हो गया या फिर जैसे अभी यहाँ पे हमने ब्लैंक छोड़ दिया इसको, तो अगर मैं इसको करूंगा तो ये सिर्फ जो है आई तक ही जाएगा क्योंकि बीच में जो है ब्लैंक आ गया और ब्लैंक बीच में नहीं होना चाहिए। अगर ब्लैंक आ गया बीच में तो ये यहाँ वहीं पर है रुक जाएगा। अगर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, चलो जे डाल देता हूँ और अब मैं यहाँ पे डालता हूँ 1 2
और अब आप देखिए अगर मैं इसको वापस से सेलेक्ट करके डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जहां तक बी टेबल एंड होती है वहां तक जो है अपने आप ही ये सीरियल नंबर्स डल जाते हैं। अब नेक्स्ट है फॉर्मेट प्रिंटर। अब उसको यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, इसके अंदर होम टैब के अंदर जाते हैं, इसको यहाँ पे दे देते हैं और इसका जो है मैं इसको ऑल बॉर्डर्स कर देता हूँ और यहाँ पे इनको थोड़े से बड़े बड़े भी कर देते हैं हम, बहुत इतना बड़ा, और इसको थोड़ा सा गैप कर देते हैं बीच में, ओके। और अब हमें क्या करना है कि यही सेम फॉर्मेटिंग जो है हमें यहाँ पर भी डालनी है, कहीं पर भी डालनी है, तो हम क्या करेंगे इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे फॉर्मेट होम टैब के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेट प्रिंटर है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जिस भी डाल जिसके अंदर भी डालना है वहां पे हम डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10 नंबर पे डालना है तो 10 पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सारी की सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे सेम आ गई है। लेकिन हम यहाँ पे जो है अगर हमको वापस से डालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फिर करेंगे और एक बार मैं इसको वापस से फॉर्मेट प्रिंटर लेता हूँ। आप देख सकते हैं एक बार करने के बाद में जो है हम वापस नहीं कर सकते, हमें फिर वापस से फॉर्मेट प्रिंटर लेके फिर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको जो है करते ही जाना है, पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर में मैं सिंगल क्लिक नहीं करने वाला, सीधा ही डबल क्लिक कर देंगे। और डबल क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अब मैं कहीं पर भी जाऊं तो ये हटेगा नहीं, जितने में भी डालना है हम उतने में डाल सकते हैं। और हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर पर एक सिंगल क्लिक कर दीजिए तो यहाँ से जो है हट जाएगा और फिर आप कोई भी सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था फॉर्मेट प्रिंटर। अब नेक्स्ट है ऑटो सम कमांड। अब गाइस अगर जैसे यहाँ पे जो है हमने अगर हमको जो है इन सब का सम करना है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लगाएंगे इक्वल्स टू, यहाँ पे रखेंगे सम और यहाँ पे ब्रैकेट डाल के फिर हम जो है जितना भी होगा जितना हमको करना है फिर करके ब्रैकेट क्लोज करके जो है हम यहाँ पे एंटर करेंगे तब आएगा। लेकिन अगर आपको जो है या फिर आप जो है इसको ऑटो सम से भी कर सकते हैं, ऐसे करके यहाँ पे आप जो है ऑटो सम से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो है सिंपल करना है बिना किसी फॉर्मूले के तो सिंपल है, बिना माउस के यूज किए अगर आपको करना है तो यहाँ पे जहां पर भी लेके आना है, जैसे अभी इसके नीचे लेके आना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हम करेंगे ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू और जैसे हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सारे की सारी वैल्यूज का एक साथ में एक सेकेंड के अंदर जो है यहाँ पे हमारे पास सम आ गया है। अब नेक्स्ट है गाइस डेटा सॉर्ट कमांड। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे इसको करते हैं सेलेक्ट और यहाँ पे जाएंगे सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ओके सॉर्ट इट एंड यहाँ पे जो है अपने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगा। अगर हमको जो है बड़े से छोटा करना है तो हम जो सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे को, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जो है यहाँ पे सॉर्ट हो गया है। और नेक्स्ट है गाइस हमारे पास फाइंड डुप्लीकेट वैल्यूज इन द सेल। तो अब क्या करेंगे हम इन सबको जो है एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं पहले तो, और अब हमें क्या करना है इनमें से जो है डुप्लीकेट वैल्यूज जो भी है वो हमको दिखाएं। तो हम क्या करेंगे इनको पूरे को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हम जाएंगे हाईलाइट सेल रूल्स और इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज के अंदर जाएंगे और यहाँ पे करेंगे ओके। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ए ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, यानी कि सारी की सारी वैल्यूज जो है हमारी यहाँ पे सेम हो रही है, मैच हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई भी चेंज कर दूं, सपोज यहाँ पे कर दूं मैं कोई भी चेंज और यहाँ पे लिख देते हैं जेड, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जहां पे भी आपने चेंज किया अगर वो सेम नहीं हुआ तो वहां से जो है वो अपने आप ही वो कलर जो है हट जाएगा। अब नेक्स्ट है रिमूव ग्रिड लाइंस। अब ग्रिड लाइंस गाइस ये होती है, ये वाली ग्रिड लाइंस होती है। अब इन्हें रिमूव कैसे किया जाए, हम जाएंगे यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर और पेज लेआउट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं शीट ऑप्शंस के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रिड लाइंस के अंदर हमने व्यू पे जो है टिक हो रखा है, व्यू पे हम अनटिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो है ग्रिड लाइंस हट गई है, पूरा का पूरा व्हाइट पेज यहाँ पे हमको मिल जाता है। और अगर वापस शो करनी है तो यहाँ पे वापस व्यू पे कर दीजिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी ग्रिड लाइंस यहाँ पे वापस आ गई है। अब नेक्स्ट है प्रोटेक्ट एक्सेल शीट विद पासवर्ड, यानी कि अगर आपको पासवर्ड डालना है तो आप कैसे डाल सकते हैं। तो इसके अंदर हम जाएंगे रिव्यू के अंदर और रिव्यू के अंदर जाने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जो है यहाँ पर सबसे ऊपर जो है हम डालेंगे कोई भी डाल देते, सपोज मैंने 1 2 3 डाला और यहाँ पे कर देते ओके
और यहाँ पर जो वापस एक और खुलेगा तो हमको जो है 1 2 3 डालना पड़ेगा और करेंगे ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अभी कोई भी चेंजेस नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो है कुछ भी अगर चेंज करने की कोशिश करूं, सपोज मैंने कुछ भी लिखा तो, या फिर मैं ऐसा कर देता हूँ चलो इसको यहाँ से कट करके लेके चलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे ऊपर लग गया है पासवर्ड। लेकिन अगर इसको पासवर्ड को हटाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करिए और यहाँ पे जो भी पासवर्ड है वो डाल दीजिए, जैसे 1 2 3 और करेंगे ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हम कुछ भी लिखे हैं तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये आ गया है। यहाँ से अब कट करके अब कॉपी पेस्ट भी आराम से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है गाइस हमारे पास में जो है फिल इफेक्ट्स इन एक्सेल सेल शीट सेल। अब जैसे ये वाला जो सेल है, अब मुझे एक मिनट में इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आराम से जो है अच्छा लिखे। तो यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, इस वाले के अंदर जो है हम क्या करेंगे, इस वाले के अंदर हमें सेल फॉर्मेट डालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको सेंटर में अलाइन कर लेता हूँ और एकदम सेंटर में आ गया है। अब इसके अंदर हमको अगर फॉर्मेट डालना है तो हम क्या करेंगे, इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट सेल, इसमें जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम जाएंगे फिल इफेक्ट्स के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे पास ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर के अंदर जो है साइड से व्हाइट कलर की जो है फ्लेयर आ रहा है, यहाँ पे डायगनल डाउन यानी कि ये सीधा है, डायगनल अप यानी कि राइट में, वर्टिकली यानी कि सीधा, हॉरिजॉन्टली यानी कि टेढ़ा, और फ्रॉम सेंटर यानी कि सिर्फ सेंटर में रहेगा, फ्रॉम कॉर्नर तो सारे कॉर्नर्स में से आएगा। तो हम यहाँ पे फ्रॉम सेंटर करके ओके करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है फॉर्मेटिंग लग गई है। लेकिन अगर आपको जो है जैसे अभी हमारे पास है यहाँ पे सिर्फ ब्लू कलर ही दिखा रहा था और कोई कलर देखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर 2 के अंदर जो है हम जाएंगे और यहाँ पे कोई भी कलर, सपोज रेड के अंदर चाहिए हमको, हमें चाहिए अगर ग्रीन के अंदर, जिस भी कलर के अंदर जो है हमें चाहिए, हम वहां पे करके ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं वहां पे जो है हमारा इफेक्ट लग गया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट, और ये गाइस ये वाला जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि गाइस अगर आप जो है किसी भी सेल के अंदर लिखते हैं जितनी बार जीरो लिखेंगे, तो सपोज हमने यहाँ पे बहुत बार जीरो लिखा और हम करेंगे एंटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक बार ही जीरो दिखेगा, या फिर अगर हम डालते हैं 0000 और उसके बाद में अगर हम डालते हैं 8 तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो आगे वाले जो जीरो है वो हट गए हैं। लेकिन अगर आपको जो है सारे के सारे जीरो दिखाने हैं तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। इसके अंदर आपको जो है सिंगल अपोस्ट्रोफी पे क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पे डालना है, जितनी बार भी आपको जीरो डालना है डाल दीजिए और बस फिर कर देना है एंटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे जीरो जो है दिखने लग गए हैं। सो गाइस यही थी हमारी अच्छी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया एक्सेल की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। सो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।